गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रेखा देवी के हाथ और पैर में काफी चोटें आई थी। उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया। आज रेखा देवी स्वस्थ हैं और वे अपना सभी काम स्वयं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड उनके लिए वरदान साबित हुआ है, जिसके बदौलत उनका इलाज संभव हो पाया। सुनील कुमार डॉक्टर, पैसा लगा इसमें? नहीं, काहे नहीं लगा? स्मार्ट कार्ड था। कार्ड बनाई हुई है? हाँ, ओ, तो कैसे पता चला था कार्ड के बारे में? जानकारी रहा था। हाँ, हाँ, बनाने में दिक्कत हुआ कार्ड बनाने में? नहीं। नहीं। वहीं रेखा देवी के पति विश्वनाथ साह ने बताया कि हम लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से उनका इलाज हो पाया। कार्ड जब सुने जाए, सुमान कार्ड जब बनने का चालू हुआ तो हमको पता चला, तो हम बनवाए। की घटना जो हमको हुआ उससे हमको पहले 3-4 साल पहले बना चुके। जब एक्सीडेंट हुए पता हुआ तब हम इससे सब कुछ हुआ। जब मैंने पैसा नहीं लगा, इलाज हुआ, जो खर्च हुआ सब फ्री इलाज हुआ। सरकार नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करेंगे हम आयुष्मान कार्ड का। जिला कार्यक्रम समन्वयक विमला कुमारी ने बताया कि रेखा देवी अकेली नहीं हैं, बल्कि अब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहे लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है। ग्राम और पंचायत स्तर पे कैंप भी लगाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक करा के उन लोगों का कार्ड बनवाया जाए। कार्ड बनने के पश्चात लोग जिले में या जिले के बाहर या राज्य में या राज्य से भी बाहर जाके अपना इलाज लेते। इसके क्रम में अभी तक हम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ 4,20,599 फैमिली कवर्ड है और उन फैमिलियों में 1,68,000 के लगभग हम लोगों ने अभी तक आच्छादित कर परिवार तक कार्ड पहुँच। उन परिवारों में कम से कम किसी एक व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड और अभी तक जिले के 40,000 लोगों ने योजना अंतर्गत लाभ भी अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।